नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फिर तेज होगा किसान आंदोलन, 18 फरवरी को देश भर में रोकेंगे रेल। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर अड़े किसानों ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आज एक अहम फैसला लिया गया। इस फैसले में आंदोलन को और तेज करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। संयुक्त मोर्चा ने अब किसान ट्रैक्टर रैली और देश भर में चक्का जाम करने के बाद अब 18 फरवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में 4 अहम पॉइंट्स पर फैसला लिया गया। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड पर टोल प्लाजा को मुक्त करवाया जाएगा। इसके अलावा 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद किया जाएगा। इसके लिए देश भर में कैंडल मार्च में मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त मोर्चा ने 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के सामने नहीं करेंगे आत्मसमर्पण। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा गर्म है। राजनीतिक दलों द्वारा राज्य में बड़ी बड़ी रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने मालदा में रैली कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह से जीतना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को हरा नहीं सकते क्योंकि जनता मेरे साथ है। बीजेपी दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए बंगाल को चलाना चाहती है। सीएम ममता बनर्जी ने रैली के दौरान कहा कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विभाजन मत करो, टीएमसी और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। ममता बनर्जी जीतने के बाद सुनिश्चित करेगी कि आपको दिल्ली से भी हटाया जाए या नहीं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विपक्ष ने सदन में आर्थिक मोर्चे पर सरकार को घेरा, पेट्रोल डीजल पर सरकार ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, बुधवार को आर्थिक मोर्चे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री ने आम बजट में गरीब और कोरोना संकट के दौरान हुए बेरोजगार लोगों के संकट को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी स्तर में हुई बढ़ोतरी का सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन आपने तो बेरोजगारी का जिक्र ही नहीं किया। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अमीरों के हितों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि 2018 में देश में 1% लोगों के पास 58% संपत्ति थी, जो कि 2019 में बढ़कर 73% हो गई। ये क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक क्लासिक मामला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में OFS के जरिए 20% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL में अपनी 20% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकार ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए हिस्सेदारी बेचेगी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फंड असेसमेंट मैनेजमेंट यानी DIPAM ने बिक्री प्रक्रिया के लिए मर्चेंट बैंकों से निविदा आमंत्रित की है। DIPAM बोली प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियम और शर्तों के अनुसार OFS के माध्यम से सरकार अपनी 74.71% हिस्सेदारी में से 20% के विनिमय का इरादा रखती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बगैर टैक्स दिए दौड़ेंगे दिल्ली के ऑटो और टैक्सी। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन कर में छूट दिल्ली NCR क्षेत्र में चल रहे ऑटो रिक्शा एवं टैक्सियों पर भी देने का बुधवार को निर्णय लिया है। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने कहा कि इससे NCR में कैब और ऑटो रिक्शा की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित होगी और लोगों को कुशल परिवहन सेवा मिलेगी। बयान में कहा गया है कि यह छूट परस्पर साझा परिवहन समझौते के तहत हरियाणा के अलावा अन्य NCR राज्यों द्वारा जारी किए गए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट के अनुसार दी जाएगी। फिलहाल हरियाणा में पंजीकृत और RCTA के तहत कंट्रोल कैरेज परमिट प्राप्त ऑटो रिक्शा एवं टैक्सियों को NCR राज्यों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में आवाजाही पर कर देने की जरूरत नहीं होती है और हरियाणा अपवाद रहा है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा प्लान, खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेचेगा किसान, गांव-गांव बायोगैस जैसी यूनिटें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़े और अपेक्षित कहे जाने वाले गांवों की सूरत बदलने की तैयारी कर ली है, यानी योगी सरकार किसानों के गाँव में ही उन्हें उद्यमी बनाने का अवसर देने जा रही है। इन गाँव और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए प्रदेश सरकार बड़ी तैयारियां कर रही है। योजना है कि इन गांवों में अब बायोगैस, फ्लाई एश ब्रिक्स और जैविक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट जैसी तमाम इकाइयां लगाई जाए, जहां बेकार और बंजर पड़े खेतों में बिजली पैदा होगी ताकि किसान अनाज के साथ बिजली भी बेच सकें। सरकार ने कृषि भूमि पर सोलर प्लांट, बायोगैस, फ्लाई एश ब्रिक और जैविक खाद प्रोसेसिंग यूनिट समेत कई नई नई इकाइयों के लगने का रास्ता साफ कर दिया है। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने के साथ यूपी की सत्ता संभालने वाली योगी सरकार किसानों और गाँव की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, INS विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, करीब 30 साल तक रहा भारतीय नौसेना की शान। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हो चुके विमान वाहक पोत INS विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है। INS विराट को गुजरात के भावनगर के श्रीराम ग्रुप ने खरीदा था और इसे कबाड़ के तौर पर तोड़ा जा रहा है। इसके बाद NVTech मरीन कंसल्टेंट्स लिमिटेड नामक की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर INS विराट को बतौर संग्रहालय संरक्षित करने की मांग की थी। करीब 30 साल भारतीय नौसेना की शान रहे INS विराट को 6 मार्च 2017 को भारतीय नेवी की सेवा से मुक्त कर दिया गया था। यह जहाज भारत से पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी में HMS हॉर्मिस के रूप में 25 साल तक अपनी सेवाएं दे चुका था। इसके बाद 1987 में INS विराट को इंडियन नेवी में शामिल किया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, भारत की रणनीति हुई कामयाब, चीनी सेनाओं ने पीछे हटना किया शुरू। जी हां दोस्तों, लद्दाख में LAC पर लगातार कई महीनों से जारी भारत और चीन की तनातनी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। चीनी सरकार के करीबी कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर दावा किया है कि पोंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी दोनों किनारों से दोनों देशों ने सेनाएं पीछे हटाना शुरू कर दी है। चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कोर कमांडर स्तर की नौवे दौर की चर्चा में हुई सहमति के बाद सैनिकों ने बुधवार से पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना या रक्षा मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनके इस बयान से संबंधित खबर चीन के आधिकारिक मीडिया ने साझा की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, आंग सान सू की रिहाई को लेकर तेज हुए प्रदर्शन, प्रतिबंध के बाद भी सड़कों पर उतरे लोग। जी हां दोस्तों, म्यांमार में प्रदर्शन पर लगे प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए बुधवार को लोग एक बार फिर देश में सेना के तख्तापलट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इससे पहले लोगों ने मंगलवार को भी देश में प्रदर्शन किया था। म्यांमार के दो बड़े शहरों यंगून और मंडाले से प्रदर्शन की खबरें सामने आई है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सत्ता निर्वाचित असेन ने सरकार को लौटाई जाए। साथ में उनकी मांग है कि निर्वाचित नेता आंग सान सू की और सत्ताधारी पार्टी के अन्य नेताओं को रिहा किया जाए। सेना का कहना है कि आंग सान सू की निर्वाचित और असैन्य सरकार को हटाने का एक कारण यह था कि वह कथित व्यापक चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की ठीक से जांच करने में विफल रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और पसंद नहीं आए हो तो इस वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा किया गया लाइक और डिसलाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, ट्विटर के अड़ियल रवैये पर केंद्र सरकार भी सख्त, कहा सस्पेंड करने ही होंगे 257 अकाउंट। जी हां दोस्तों, भारत सरकार और ट्विटर के बीच छिड़ा विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। ट्विटर ने भारत सरकार के निर्देश के तहत कुछ अकाउंट्स पर रोक तो लगाई है, लेकिन IT मिनिस्ट्री ने स्पष्ट तौर पर 257 ट्विटर हैंडल को हटाने की बात कही है। भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों को तलब कर कई सवाल पूछे। सरकार ने ट्विटर से 1178 हैंडल्स को हटाने के लिए कहा था। हालांकि आज ट्विटर ने बताया है कि 500 से अधिक सस्पेंड किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं देश के बाकी सभी राज्यों में
मौसम इस दौरान साफ और शुष्क बना रहेगा। उत्तर भारत के पास बने पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद अब उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से चलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और यह सामान्य के आसपास या उससे नीचे पहुंच सकता है। 24 घंटों के बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी ठंडी हवाएं पहुंच जाएंगी और इन भागों में भी 24 घंटों के बाद पारा गिरेगा। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। रुक रुक कर लगातार हो रही बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल के दाम उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। राजस्थान के गंगानगर शहर में पेट्रोल की कीमतें बुधवार को भारत में सबसे अधिक 98.10 रुपए प्रति लीटर रही। वहीं डीजल की कीमत 89.73 रुपए प्रति लीटर रही, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहाँ डीजल की कीमत 25 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में गोल्ड के भाव में आज मामूली कमी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में महज 38 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं चांदी के दाम में 783 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 47,614 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, तो वहीं चांदी 69,667 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। नेपाल को फिर याद आया भारत। परचनंदा ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के खिलाफ मांगा समर्थन। जी हां दोस्तों, नेपाल के नेता भले ही कितनी भी बयानबाजी करें, लेकिन मुश्किल वक्त में उन्हें भारत ही याद आता है। अब पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करने को लेकर नेपाल की सियासत में भूचाल आया हुआ है। प्रचंड ने इस फैसले को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। अब वह चाहते हैं कि भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर उनकी सहायता करे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत को लगा तगड़ा झटका, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए रविंद्र जडेजा। जी हां दोस्तों, चोटिल ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत चेन्नई में पहला टेस्ट 227 रन से हार, सीरीज में 0-1 से पिछड़ गया है। सीरीज का दूसरा टेस्ट चेन्नई में ही 13 फरवरी से शुरू होना है। जडेजा के अंगूठे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में फ्रैक्चर हो गया था, जिससे वह ब्रिसबेन में 4th टेस्ट से बाहर हो गए थे। उन्हें सिडनी में एक्सपर्ट से विचार विमर्श के बाद बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चोट के इलाज के लिए भेजा गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स अब भी 51,300 के पार, तो निफ्टी 15,100 के स्तर पर पहुंची। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजारों में आज बहुत ही मामूली गिरावट दर्ज की गई। BSE और NSE आज लाल निशान पर बंद हुए। BSE का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को 0.04% यानी महज 19.79 अंक गिरकर 51,309.29 के स्तर पर बंद हुआ। वही NSE निफ्टी में भी सिर्फ 2.80 अंक यानी 0.02% की मामूली गिरावट दर्ज की गई और यह 15,106.50 अंक पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी IT 0.41% यानी 106.10 अंक की बढ़त के साथ 25,885.30 अंक पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में मार्च में लॉन्च होंगे Redmi Note 10 सीरीज के 2 दमदार फोन, मिल सकती है 5050 mAh की बैटरी। जी हां दोस्तों, Xiaomi जल्दी भारत में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च करने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि फोन को लेकर ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि फोन को ही इसी साल में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही Xiaomi एग्जीक्यूटिव्स ने Redmi Note 10 सीरीज के लॉन्च टीजर भी जारी किए हैं। Redmi Note 10 सीरीज कंपनी के Redmi Note 9 सीरीज का सक्सेसर वर्जन है। कहा जा रहा है कि इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro होंगे। पता चलता है कि इस सीरीज से Redmi Note 10 Pro में क्वारकोड्रम 732 प्रोसेसर और पावर के लिए 5050 mAh की बैटरी दी जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है,
फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पिताजी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।